तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में संदीप जी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर क्यूरी। पावर पीआई के अंदर में हम बात करेंगे पावर क्यूरी। तो हम डेटा को लोड ना करके हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद आप यहां, हमने आपको यहाँ पे जो चीजें बताई थी एक मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमने ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया था, ट्रांसफॉर्म का एक अलग से टैब था, इसको भी हमने जाना था, राइट? तो इसको हमने आई थिंक ऐड कॉलम तक जान लिया था, राइट? टेक्स्ट टू कॉलम हमारा बचा हुआ है, ये हो गया था टेक्स्ट टू कॉलम? नहीं नहीं, टेक्स्ट टू कॉलम नहीं। चलो, तो हमने यहाँ जो है हमारा ये जो टाइप है उसके बारे में हमने बात कर लिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में। टेक्स्ट टू कॉलम मतलब कि आप जो है सेपरेट करना चाहते हो, जैसे कि आपकी किसी कॉलम में से किसी पार्ट को, जैसे कि आप टेक्स्ट टू कॉलम आपके इसमें होता है ना एक्सेल में होता था, तो सेम चीज यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्लिट कॉलम के बारे में। स्प्लिट कॉलम में सबसे पहले बाय डेलिमिटर, मतलब कि कोई पर्टिकुलर करेक्टर के बिहाव से आपको अलग करना। तो यहां पे किसके बिहाव से अलग करना है? कॉलन कॉमा इक्वल स्पेस टैब, जिसके हिसाब से अलग करना है उसको कीजिएगा तो अलग हो जाए। इसमें स्पेस को लिया एंड हमने उसको, इसमें आता है लेफ्ट मोस्ट डेलिमिटर, राइट मोस्ट, लेफ्ट से अलग करना है, राइट से अलग करना है, या फिर इच। जैसे मैंने राइट कर दिया तो इस राइट से एक वर्ड लेगा। तो ईच करने पे क्या होता है कि जितना स्पेस होगा उतना अलग कर देगा, लेकिन लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट में क्या होता है कि एक ही को ले पाएगा। ओके, तो डिलिमिटर होता है यहां होता है कि आपको बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर और नंबर एक साथ, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर में से मैं चाहता हूं कि लास्ट का 3 डिजिट अलग कर, तो यहां आप नंबर ऑफ कैरेक्टर डाल सकते हैं कि 3 कैरेक्टर राइट से अलग कर, जिसने राइट से 3 कैरेक्टर को देखे अलग कर दिया। आप बात करते हैं पोजीशन की, पोजीशन के हिसाब से अलग करें। तो अगर मैं यहां पोजीशन, यहां पे पोजीशन पे आता हूं, तो यहाँ पे आपको पोजीशन सेट करने होता है कौन सा पोजीशन चाहिए, एक या दो तीन, कितना पोजीशन चाहिए। तो मैं 3,2 कर दिया, यहाँ पे 3,2 इनके बाद दूसरा, नहीं नहीं इसमें जैसे कि कई सारे पोजीशन दिया जाता है, मैं 3 कर दिया तो तीसरा पोजीशन ये अलग कर दिया। तीन लेटर के बाद आप अलग कर, तीन करेक्टर के हिसाब से चलता है, तीन के बाद कितने के बाद, के बाद अलग हो। उसके बाद लोअर केस अपर केस के अकॉर्डिंग, अपर केस लोअर केस के अकॉर्डिंग, डिजिट टू नॉन डिजिट, जैसे कि आपको यहाँ पे हमने बोल दिया डिजिट टू नॉन डिजिट, तो इसमें नहीं डिजिट नॉन डिजिट मतलब कि पहले नंबर एंड उसका टेक्स्ट हुआ, तो अभी क्या टेक्स्ट एंड नंबर, नॉन डिजिट टू डिजिट अब करते हैं तो देखिए सारे डिजिट अलग हो। ओके, तो ये आपका स्प्लिट कॉलम में आ गया। अब बात करते हैं इसमें फॉर्मेट, लोअर केस अपर केस, जैसे कि अगर इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको फॉर्मेट में मैंने इसको अपर केस कर दिया, अपर हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा, लोअर केस कर दूंगा तो पूरा लोअर केस में हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे ट्रीम होता है, ट्रीम मतलब जो अनवांटेड स्पेस है उसको, हाँ उसको रिमूव कर देगा। क्लीन क्या करेगा, क्लीन आपका क्लीन करेगा, मतलब कि नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को डिलीट करेगा क्लीन, राइट? इसमें एक होता है एड प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो ग्रामर में आपने पढ़ा होगा प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, पहले और बाद में जो लगता है। हाँ, तो जैसे कि मुझे इसमें क्वार्टर वन से पहले, क्वार्टर वन से पहले मुझे यहाँ पे ए लगाने हैं, प्रीफिक्स ऐड करना है, तो क्या प्रीफिक्स ऐड करना है, तो हमने बोलना है 2003, इसमें 2003 मान लीजिए ऐड करना,
ये आपका ऐड हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं इच में जो 2003 है इसके जगह पे मैं ईयर दे देता हूं, और इसमें फॉर्मूला हम दे सकते हैं, ईयर फिलर नहीं दे सकते इसमें हम, ओके। तो यहाँ पे डेट ईयर दे दिया, एरर आ गया, ऐसे ओपन क्लोज करना होता है। वो हम बाद में बताएंगे फॉर्मूला के, इसमें ये फॉर्मूला ऐड किया जा सकता है, फिलहाल इसको रहने दीजिए, ठीक है। इसमें अपने हिसाब से कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर सकते हो, क्लियर है। अब इसके बाद होता है मर्ज कॉलम, तो मर्ज कॉलम जो है एक साथ दो कॉलम को मर्ज करना, दो कॉलम सेलेक्ट करेंगे तभी ये कॉलम मर्ज होगा, अदरवाइज मर्ज नहीं होगा। हमने मर्ज कॉलम में क्लिक किया तो यहाँ पे मर्ज आता है, सेपरेटेड क्या चाहिए, तो सेपरेटेड में हमने यहाँ पे कर दिया कॉलम कॉमा इक्वल साइन सेमीकोलन स्पेस टैब, हमने स्पेस कर दिया एंड ओके। अब दोनों मर्ज होके एक सेल में आ गया, एक कॉलम हमारा हट गया, दोनों कॉलम यहाँ पे मर्ज हो, आ गया। अब यहाँ पे स्ट्रैक, अब स्ट्रैक मतलब कि मुझे इसमें से कोई चीज स्ट्रैक करना है, जैसे कि लेंथ, तो हमने बोला इसकी लेंथ को अलग करना है, देख गया सर, इसका लेंथ 7 डिजिट आ गया, हाँ 1 2 3 4। उसके बाद मुझे इसमें से स्ट्रैक करना है फर्स्ट करेक्टर काउंट, तो हमने बोला 2, ठीक है सर, फर्स्ट कैरेक्टर अलग हो गया। तो जैसे कि स्प्लिट है ना, स्प्लिट में क्या होता है कि दो अलग अलग कॉलम बन जाते हैं और ये स्ट्राइक में आपका ओवरराइट हो जाता है, दो कॉलम नहीं बनते, समझ गया। अब यहीं पे आपको लास्ट कैरेक्टर रेंज, ये आपका आता है टेक्स्ट बिफोर डिलीमिटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमिटर, टेक्स्ट रेंज देखना, तो रेंज क्या, रेंज में जैसे कि वो आना है कि आपको स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स क्या चाहिए। स्टार्टिंग हमने 1 से बोला और मैंने बोला कि मुझे दो कैरेक्टर चाहिए, 1 से दूसरा कैरेक्टर क्वार्टर 1 था ना, और सर एक एक चीज था कि अगर मंथ अगर कॉलम में रहे तो उसको कैसे हम ये करेंगे, क्या मंथ में क्या करना चाहते हैं, जैसे अगर कोई हमारे पास 12 मंथ का अगर कोई डेटा आता है, रेवेन्यू का डेटा आता है, कुछ भी आता है, तो अगर मुझे वो मंथ वाइज अगर लगाना होता है पिवट, तो वो कॉलम में दिया हुआ रहता है, वो फिर लगता नहीं, फिर मुझे जाकर उसको अधिक अनपिवट कर लीजिए ना, यहाँ से अनपिवट मैं बताता हूँ, मुझे नोट नाउ कर दिया, एक डेटा है बना रहा हूँ, जैसे कि नेम है आपका, नेम और राइट हैंड साइड के कॉलम में पूरा मंथ, यहाँ
पे जैन फेब मार्च है, पिवट में एक्सेल की पिवट में इसको करने के लिए टोटल वगैरह करना पड़ता है। हाँ हाँ ये चीज है तो वहां पे पावर बीआई में एक अनपिवट का ऑप्शन आता है, मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए। इसमें क्या करना पड़ता है एक्सेल में कि अब जनवरी का पूरा निकालो, फरवरी का पूरा निकालो, उसको फिर मतलब रो में लेकर सेम डेटा ना आपका सर, आपको यहाँ पे अप्लाई चेंजेस बताते हैं, गेट डेटा फॉर्म एक्सेल डॉक्यूमेंट और ये आपका अनपिवट का हमने ओपन किया और फिर हमने सीट वन को सिलेक्ट किया, ट्रांसपोज में गया, हो गया। अब इसी को यहां ट्रांसफॉर्म में हमारे सामने होता है अनपिवट कॉलम, तो जैन का इसमें एक पर्टिकुलर एक कॉलम को इसने किया है, पूरी डेटा करना चाहिए था ना इसको। ट्रांसफॉर्म में इसको हम करते हैं अनपिवट कॉलम, ठीक है, ऐसा ही चाहते हैं ना आप? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आप इसको फिर से कंट्रोल जी करना सर। हाँ मैं कह रहा था कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कॉलम सिलेक्ट करके उसके बाद एक ऑप्शन आता था जिसमें कि हम सारे मंथ को रो में ले आते, ये अनपिवट ही होता है तेरा, ऐसे बोल रहा है। हाँ हाँ जैसे अब ये सही हो गया, हमने सिलेक्शन गलत कर लिया था। उसके बाद हम यहाँ अब इसको एक कर देते हैं फाइल में क्लोज एंड अप्लाई, इससे हमारा ये निकल सकता है समझ जी। यहाँ पे हम सीट वन में यहाँ पे हम नेम ले लेते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पे एट्रीब्यूट ले लेते हैं और इसको इसमें रख देते हैं, ठीक है, ओके। इसको आप कॉलम में करना चाहे तो कॉलम में हो जाएगा, इसमें आप चाहते कि नहीं नहीं एट्रीब्यूट ना हो। नहीं लेकिन सर इसमें ये हो रहा है ना कि जनवरी फरवरी सीक्वेंस में नहीं आ रहा, आ गया ना सर यहाँ पे, तो नेम वाइज आया ना, अगर मंथ वाइज करोगे तो नहीं आएगा, तो मंथ वाइज फिर मंथ और नेम दोनों हो जाएगा ना सर। यहाँ देखिए मंथ वाइज आएगा, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट को आप जो है यहाँ एक्सेस में डाल देते हैं ना, आ गया मंथ वाइज सर। ये आप देख रहे हो अक्टूबर फरवरी जून अगस्त अप्रैल, ये सीक्वेंस में नहीं है ना, इस सॉर्टेड है सर, इसलिए सीक्वेंस में नहीं है, सॉर्टेड है एट्रीब्यूट के कॉल, इसके कॉल वैल्यू के कॉल, वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉर्टिंग की व्यवस्था तो हो जाएगा। ठीक
ट्रांसफॉर्म में आपने यहाँ पे इसमें ए आ गया आपका, इसमें आ गया, उसके बाद आता है नंबर कॉलम, नंबर कॉलम नंबर वाले जो पार्ट है उस पर किस तरह से यूज किया जाता है ए आपको, क्योंकि तो टेक्स्ट पे आपने किया, नंबर वाले में आपका होता है स्टैटिक्स में, जिससे कि सम करना है तो आप इसका सम निकाल सकते हैं, टोटल सम निकल गया आपको, लेकिन ये ओवरऑल करके दे देता है सम, सम तो ओवरऑल ही होगा। उसके बाद स्टैटिक्स में भी जो भी देते हैं ओवरऑल आएगा आपको, उसके बाद ऐसे ही आपका इस पे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसमें स्टैटिक्स में यहाँ पे ऐड मल्टीप्लाई, जैसे कि जो नंबर्स है मुझे इसमें मान लीजिए कि 20 ऐड करना है, कितना ऐड करना है 20 एंड ये देखिए 670 हो गया, राइट सर, ऐसी सब्ट्रैक्ट डिवाइड ये जो सारी चीजें जो है यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ निकालना चाहते हो तो मैंने बोला कि भाई 900 से परसेंटेज निकाल लो, कितना परसेंट हुआ, ये परसेंटेज आपको आ, जैसे यहाँ पे आता है पावर निकालना चाहते हो, ये जो सिलेक्टेड डे है उसके ऊपर एक कैलकुलेशन होता है, राउंड अप करना है, न्यूमेरिक पे न्यूमेरिक पे ही है ना, स्टैटिस्टिक्स नंबर कॉलम है ना, वो नंबर कॉलम, ठीक है, इज इवन और इज इवन, इवन नंबर है या नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स मार जाएगा, ठीक है, ये चीज आप इस पे कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है डेट एंड टाइम की, अगर कोई इसमें डेट ऐड है आपका तो डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन आप यहाँ पे निकाल सकते, डेट क्या है, टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये चीज आप यहाँ निकाल सकते, मतलब दो दो डेट रहेगा तो उसके बीच का ड्यूरेशन निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा सर, इसको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कल कंबाइन पे, कल की जो क्लास में बात करेंगे, सागर जी को कल बुला लूंगा, हम बात करेंगे कंबाइन के ऊपर। अब आपकी जो पावर बीआई की क्लासेस है अब ज्यादा दिन की नहीं बची हुई है, मोस्टली मैंने कवर कर दिया है, बट प्रैक्टिस के बाद आपकी एक हफ्ते क्लास और होगी, अभी जैसे बीच में हम आपको गैप देंगे प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद हम एक दो हफ्ते बाद फिर स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस, हम सैंपल रिसर्च के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर, कुछ असाइनमेंट वगैरह दे दिया करो ताकि मैं कभी, हाँ वो ये पहले सब खत्म कर देता हूँ, फिर अगला जो हमारा एक दो हफ्ते की क्लास होगी, एक आध हफ्ते की, वो सिर्फ असाइनमेंट्स भी होगी, कम से कम 10-12 जब तक